दादाजी टप्पू भी आज से मौन व्रत रखेगा। अगर मम्मी नहीं बोलेगी तो टप्पू बोलकर क्या करेगा? अरे नहीं बेटा नहीं, बहू ने मौन व्रत रखा है और उस जेठा के साथ तो बात करने जैसा है नहीं। अब तू भी मौन व्रत रखेगा तो मैं घर में बात किससे करूंगा? खबरदार जो तूने कभी मौन व्रत रखने का सोचा भी तो। दया दया ठाकरा का, और ऐसा सोचना बंद कर। चलो बापूजी, जय जिनेन्द्र। चलो मतलब दुकान जा रहा है? हाँ। तो नाश्ता नहीं करना है? नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये तबीयत वाली सब जानता हूँ मैं। अब तुझे बहू के हाथ का खाना भी पसंद नहीं है। यहाँ घर में नाश्ता नहीं करेगा और बाहर होटल में जाके ठूसेगा। अरे जब से बहू ने मौन व्रत रखा है हम दोनों यहाँ परेशान है, और तुझे होटल में जाके उजाणी करनी है। ले जा बहू, चाय वापस ले जा। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक को आज घर में नाश्ता नहीं करना है। हेमा माता जी, इनको तो बहुत तेज बुखार है। चलता हूँ। क्या हुआ जेठालाल, सुधरे हालात? बोलिया नहीं दया भाभी। नहीं मेहता साहब, लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा भुगत रहा हूँ। ऐसे दिल छोटा नहीं करते जेठालाल। टप्पू के पापा। जेठालाल, दया भाभी बोली। मेरा फोन बज रहा है। अरे तुम्हारा फोन नहीं बज रहा, वो देखो स्वयं दया भाभी बालकनी में खड़ी है, बोल रही है। पापा, आपको बुखार है तो आज दुकान मत जाइए ना। मेरी कोयल टहुकी। मेहता साहब, मेरे कोयल टहुकी। मेहता साहब, अरे बोले, अरे बोले। अरे ये क्या कर रहे हैं? संभालिए, आपको बुखार है। अरे जन्म में गया बुखार गया। तू बोल, तेरी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तड़प रहे। बोल टप्पू के पापा। टप्पू के पापा। और एक बार। 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 टप्पू के पापा। देवी बोलने लगी, भगवान की तू चाहत दया भाभी। बेटा साहब, मेरी जिंदगी वापस आ गई। अरे दया, तुझे पता नहीं है, तेरी आवाज सुने बगैर मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे जैसा बिना जलेबी का फाफड़ा। हाँ। दया, अभी मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी तेरी तरह गरबा करूं। धिन ताती तड़ा तकताती तड़ा, धिन ताती तड़ा तकताती तड़ा, धिन ताती तड़ा तकताती तड़ा। रुक जाइए। क्या हुआ? मैं नीचे आती हूँ, साथ में गरबा करते हैं। अरे आजा नीचे आजा। अरे गोकुलदास वासियों, आज रात का मेरे घर पर पार्टी। आधा दया भाभी बोल बड़ी फिर से। दया मेरी, दया। थैंक यू दया, तू बोल पड़ी। लेकिन दया, आज तुझे एक और प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि आज के बाद तू ऐसी फालतू मौन व्रत की प्रतिज्ञा कभी नहीं लेगी। राइट।
अरे आपको शांति चाहिए थी इसलिए मैंने मौन व्रत धारण किया था। आप तो मेरे पति परमेश्वर हो, आपके सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। Thank you.